कार्टेल माफिया का काम चलता है, ये ट्रक का पालन कर रहे हैं और ये लोग गुंडे लोग देख रहे हैं। यहाँ पानी क्या पीने का पानी है? नहीं, ये सब जला वाला होता है, चुना वाला करा हुआ। बोरिंग का पानी है ना? कितना पानी आ जाता है इसमें? रात को टैंकर भर रहे हो? रात में जाता है। कौन सी कंपनी में जाता भाई? बोरिंग का पानी तो दिल्ली में हेलो नहीं है, ये बोरिंग कैसे किया गया? खेत पकाता है ना, खेत में भी बोरिंग अलाउ नहीं है। देखिए यही तो रहता है भूजल माफिया और कुछ गुंडे लोग भी घूम रहे। हम फटाफट यहाँ से सोचा कि घर में जाके बैठे देखिए यहाँ बोरिंग किया गया है। न्यूज़ पंजाब आ पहुंची है दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में, जहां पे बहुत बुरी तरह से पानी माफियाओं का जमवाड़ा है। यहां पे पानी का सप्लाई जो होता है, यानी पानी का जो सबसे बड़ा माफिया वाले क्षेत्र में है। रात के 11 बज चुके हैं और अभी कुछ ही देर में यहां के पानी के टैंकर्स आएंगे। देखिए हम दिखाना चाहेंगे, सड़क है जहाँ पर पानी है, यहाँ पर टैंकर्स खड़े हो जाते हैं और ये वो जगह है इलीगल कहा कि बोरिंग पानी का, बोरिंग जो कि दिल्ली में इलीगल है, यहाँ से बोरिंग करके पानी का सप्लाई पूरे दिल्ली में बेचा जाता है और काफ़ी अच्छे रेट में लाखों का यहाँ पे बिजनेस होता है पानी माफिया के थ्रू। ये वो जगह है, यहाँ पे ताला लगा है, इस ताले को खोल के अंदर बोरिंग का पानी, ये पाइप है दिखाना चाहूँगी, इस पाइप के थ्रू पानी का सप्लाई होता है पूरे दिल्ली में। ये जिस तरह से पानी माफियाओं ने यहाँ पर अपना अड्डा जमाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन अंधे हैं। हम लोग जान पे खेल के यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी माफियाओं का अड्डा है और हम लोग यहाँ काफ़ी देर से यहाँ रुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे टैंकर्स आएंगे जो इस जगह को से पानी, जो हम लोग पानी, जो दिल्ली जल बोर्ड हमें पानी देती है फ्री में, लेकिन ये लोग जो जल, ये जो टैंक पानी माफिया है, ये लोग पानी यहाँ से निकालते हैं। हम आपको बताएं दिल्ली में बोरिंग मना है गैरकानूनी काम है, लेकिन यही पानी बोरिंग से निकाल के बेचते हैं टैंकर से। जो पानी के बोटल्स होते हैं 20-20 रुपए के बोटल्स, इसी बोरिंग के पानी से बेचे जाते हैं जो कि इलीगल है। अभी हम आपको पूरा स्टिंग दिखाएंगे कि किस तरह से टैंकर्स आते हैं यहाँ पे रात के अंधेरे में और सुबह सुबह और टैंकर्स भर के जाते हैं। बने रहिए स्काई पंजाब न्यूज़ के साथ। अभी एक टैंकर अंदर की ओर गया है। भूजल माफिया और कुछ गुंडे लोग हमें घूम रहे। हम फटाफट यहाँ से सोचा कि घर में जाके बैठे देखिए यहाँ बोरिंग किया गया है। भैया जल माफिया का काम चलता है, ये ट्रक में पानी भर रहे हैं और ये लोग गुंडे लोग पूरे देख रहे हैं। भैया भैया सुनो ना, यहाँ पे हमको एक भूत की मूवी शूटिंग करनी है। क्या है
ये जगह क्या है भैया? हमको पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पानी क्या पीने का पानी है? नहीं, ये सब जोड़ा वोड़ा होता है ना, चुना उसमें चराई वराई। अच्छा, बोरिंग का पानी है ना? कहाँ जाता? कितना पानी आ जाता है भैया इसमें? 20,000 लीटर आ जाता है। और कैसे बिकता है भैया पानी? ये हम नहीं बिकाते, नहीं। अगर हम अपना ट्रैक्टर, हम टैंकर हम अपना लेके आए तो हम भी मंगाए अपने लिए। तो हमको पता नहीं है ना, सब मालिक जानेगा, हम चलाते हैं। बेटी रात को टैंकर भर रहे हो भैया? रात में ही जाता है वहाँ कंपनी में। कौन सी कंपनी में जाता है भाई? ये रेंटी में। अच्छा, कितने का बिक जाता है पानी? ये हम नहीं बता सकते। मीठा पानी है ना? इतना मीठा नहीं, लेकिन मीठा पानी है। और तो रात को आए हो भैया? रात को भर रहे थे। रात को ही भरता है? कितने लोग हैं आप लोग? अकेले? गाड़ी खुद अकेले चलाते हो? तो साथ में कोई नहीं है? आप ही हो तो गाड़ी। अच्छा, ये बताइए, बोरिंग का पानी तो दिल्ली में अलाउ नहीं है, तो ये बोरिंग कैसे किया गया? खेत पटाता है ना, खेत में भी बोरिंग अलाउ नहीं है। और कितना, अच्छा आप लोग कितने ट्रक चला जाते हैं भैया कभी यहाँ पे? कितने ट्रक आ जाते हैं? वो तो आपका, वैसे कितने दिन भर में कितने ट्रक आ जाते हैं? दिन भर में कहाँ चलता हूँ, रात में ही एक चक्कर जा जाएगा। नहीं, अभी हमने सुबह भी देखा था, परसों भी देखा था, ऐसे शूट कर रहे हैं हम ना, भूत की पिक्चर शूट कर रहे हैं। आपको अकेले आने में यहाँ डर नहीं लगता? क्या डर लगेगा, पास में सब इधर आराम है, सब में आदमी रहता है। तो अक्सर रात को ही आते हो पानी भरने? हाँ, एक चक्कर आते। जल माफिया का एक तंत्र है और ये तंत्र खुलेआम हो रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। स्काई पंजाब न्यूज को पता चला कि दिल्ली के एक हिस्से में, जो कि पॉज इलाका है, एक एशिया की नंबर वन कॉलोनी है द्वारका, उसके पास सटे वे पे खुलेआम जल माफिया जल का स्मगलिंग कर रहे हैं। जिस मतलब स्मगलिंग इसलिए क्योंकि इस पानी को, इस जल को बेचा जा रहा है। हालांकि दिल्ली में किसी भी तरह से बोरिंग करना निषेध है, कानूनी अपराध है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से कई बोरिंग किए हुए हैं। आपको हमने दिखाया अपनी जान खतरे पे लेके कि बोरिंग के अंदर से किस तरह से 20,000 लीटर रोजाना जमीन के नीचे से पानी निकाल के बेचा जाता है। हम लोगों ने स्काई पंजाब न्यूज का 2 दिन से यहाँ पे टीम बिछा के, नजरें बिछा के नजर रखी हुई थी कि किस तरह से हम इनको रंगे हाथ पकड़े। यकीन मानिए, हमारे पीछे गुंडे भी पड़ गए थे, हम डर भी गए थे, लेकिन हमने ठान के रखा है कि सच को हम आपके सामने दिखाएंगे। आलम ये तक हुआ कि जब वो लोग हमें घेरने लगे तो हमें ये बोलना पड़ा कि भाई साहब, हम यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं भूत की मूवी का, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा। आप देख सकते हैं कि इतनी रात को स्काई पंजाब न्यूज़ सिर्फ आपके लिए दिल्ली का सच दिखाने के लिए लेके आई है। सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली पुलिस को इसका इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे इलीगल पानी का सप्लाई होता है? जबकि हम उसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे इलीगल पानी की सप्लाई होती है बोरिंग करके, लेकिन ये सब हो रहा है सरकार के आग के नीचे खुलेआम। यहाँ पे पुलिस लगातार आ रही है जहाँ पे जल माफिया का तंत्र है, जाने क्यों, या तो ये उन्हें सपोर्ट कर रही है या इनको पता है कि यहाँ कुछ हो रहा है। घंटों इंतज़ार कर रहे थे कि कब टैंकर आएगा, पानी का टैंकर आएगा, तो ये तब भी पुलिस हमें वॉच कर रही थी, और देखिए अभी भी वो वॉच कर रही है। यानी कि इन्हें पता है कि यहाँ कुछ होता है, इनके नाक के नीचे कुछ होता है। अब हमने आपको दिखाया कि किस तरह बोरिंग करके 20,000, एक ट्रक में 20,000 लीटर पानी आता है, किस तरह बोरिंग करके ये पानी का सप्लाई करते हैं, जो कि कानूनी अपराध है। और दिन भर में कम से कम 25 से 30 ट्रक आते हैं, बोरिंग करते हैं पानी निकाल के दिल्ली में, इसका बिजनेस करते हैं और करोड़ों का कमाई करते हैं। सवाल ये होता है, क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है? जबकि पूरे इंडिया में सैटेलाइट लगा है, सैटेलाइट से देखा जा सकता है कि यहाँ बोरिंग होता है। यहाँ तक कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही पुलिस स्टेशन है, इवन पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उनके नाक के नीचे देर रात को 9 बजे के बाद से सुबह 5 बजे सुबह तक यहाँ पे इलीगल पानी का सप्लाई होता है, बोरिंग करके पानी को बेचा जाता है। देखना ये होगा हमारी इस खबर को देख के प्रशासन नींद से जागती है या नहीं।